हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूएसएसजी साइंस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर का पार्ट फोर वीडियो है, और इसमें हम लोग नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कोहल को देखने वाले हैं। कहने का मतलब, मैंने तो पिछले वीडियो में ही स्टार्ट कर दिया था अल्कोहल का नामांकन, है ना, नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेमिंग तो मैंने स्टार्ट किया था, मगर इस वीडियो में कुछ अलग, मतलब नोमेनक्लेचर को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं उसमें आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म स्टार्ट होने के बाद उसके बाद नोमेनक्लेचर होगा, नोमेनक्लेचर तो मैं बता दिया। उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर फिनोल, उसके बाद फिर इथर देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोग तैयार हो जाइए, आपको आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्कोहल के बारे में जानना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, CH3A में बेसिक प्रॉब्लम ही ले रहा हूँ ताकि आपको बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक को आपको मैं बता सकूँ, ठीक है। CH3 और यहाँ से मान लीजिए CH2 और OH, एक ब्रांच यहाँ भी घटेगा, मैंने यहाँ पे एक ब्रांच दे दी और यहाँ पे अल्कोहल, ठीक है। ये आपके सामने कोई कार्बन का चेन है, आपको सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को खोजना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कहने का मतलब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को खोजना है, ठीक है। कार्बन के सबसे लंबे चेन को आप खोजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे अल्कोहल का ग्रुप है, इसमें 6 कार्बन का चेन आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लॉन्गेस्ट चेन खोज चुके हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 इस कार्बन तक के आने वाला है। यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं था, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम लोग इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो अब नेमिंग स्टार्ट करेंगे, नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे आपको पता होगा, दूसरा नंबर नेमिंग फ्रॉम, आपको प्रायोरिटी देखना है कहाँ पे हमको अल्कोहल जल्दी मिल रहा है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, और बाकी जो बच गया उसको आप घेर दीजिए, वो ब्रांच में आ जाएगा, वो ब्रांच की गिनती में आएगा। अब इसका नाम लिखिए। थर्ड नंबर पॉइंट हमारा नेमिंग अल्फाबेटिकली, ठीक है, हम लोग नेमिंग लिखते हैं। अब तो क्या हो जाएगा, 2 पे और 5 पे 2,5-डाइमिथाइल, आपको सब चीज पता होगा, 11th में आप पढ़े होंगे। 6 कार्बन के लिए हेक्स, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, हेक्सेन, 1 और 3 पे 2-डायोल, समझे, सनी डायोल नहीं बोल रहा मैं, आप यहाँ डाई मतलब कि 2 1 2, यहाँ पे देखिए 3 पे और 1 और 1 पे है, तो हमने 1 और 3, डाई कहने का मतलब 2 और ऑल मतलब अल्कोहल। बस ये था हमारा पहला नोमेनक्लेचर, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, CH3, ये सब चीज़ तो आपको पहले से पता है, मैं बस अब रिवाइज करवा कर आगे बढ़ने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन कराना भी ज़रूरी है। यहाँ पे एक ब्रांच और यहाँ पे मान लीजिए ब्रोमीन। अब देखिए, पिछले चैप्टर में थोड़ा सा मिक्स किया हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा हैलोकेन वाला भी डाला हूँ, यहाँ पे अल्कोहल पहले से ही है। तो अब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको तो लॉन्गेस्ट चेन खोजना है, ये तो सब में करना है, लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग और फिर नेमिंग अल्फाबेटिकली विथ प्रायोरिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको देखिए सबसे पहले नेमिंग कहाँ, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग चेन तो मिल गया हमारा, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम लोग को डबल बॉन्ड जल्दी मिल जाए, ठीक है। पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दीजिए यहाँ पे, उसके बाद OH को प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद आप लोग ब्रोमीन को प्रायोरिटी दीजिए, समझ गए। तो हम लोग देखें, डबल बॉन्ड यहाँ पे जल्दी मिला था, 1 2, डबल बॉन्ड इधर से भी जल्दी मिल रहा था, 1 2, लेकिन इधर अल्कोहल है इसीलिए हम लोग इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, बाकी को घेर दीजिए, सब ब्रांच की गिनती में आएगा। तो क्या कीजिएगा, नंबरिंग हो गया, अब हम लोग नेमिंग करने वाले हैं अल्फाबेटिकली, पहले बी आएगा या पहले एम आएगा, तो पहले बी आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 कार्बन ब्यूट 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन 1 ऑल, बस यही था आपका नंबर क्लेचर आईपीएससी नेम, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो आपका बुक में दिया हुआ होगा, एनसीईआरटी बुक में होगा, CH3 CH
CH3 और CH3। ये आपका कोई दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन खोलना है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिल गया, बाकी को ब्रांच घोषित कर दीजिए, इसको मतलब घेर दीजिए, 1 2 3, यहाँ पे अल्कोहल होगा, बुक में देखिएगा, क्वेश्चन देखते रहिएगा समझ में आएगा, 3 4 और 5, ठीक है। नाम लिखिए इसका 2 2, और यहाँ 4, ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन पेंट, 3 ओल। समझ गए किस तरह से नंबरिंग हम लोग कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं, और किस तरह से लॉन्गेस्ट चेन खोज रहे हैं ना। 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ एक दो नॉमिनेशन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा लेवल का, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं नॉमिनेशन का। क्वेश्चन है आपका, ये मैंने पिछले चैप्टर में भी अल्कोहल वाले से चैप्टर से पहले हेलो केन और हेलो एरिंस में भी एक मैंने करवाया है इस तरह का क्वेश्चन। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन खोजिए जिसमें कि अल्कोहल कंटेन किया हुआ, अल्कोहल को आपको प्रायोरिटी देना है, ये बात मत भूलिएगा, आप अल्कोहल को देखते हुए ही आपको चलना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सोचिए, आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप थोड़ा सा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, आपको यहाँ पे कोई अल्कोहल नहीं मिल रहा है जो कि आपको जल्दी मिल जाए, फिर पहला नंबर में मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम लोग उस लॉन्गेस्ट चेन को खोजेंगे जहाँ पे हमको अल्कोहल मिल रहा हो, ठीक है। इस लॉन्गेस्ट चेन में कोई अल्कोहल हम लोग को नहीं मिल रहा था, यहाँ ब्रांच ही मिल रहा था, तो हम लोग ब्रांच को नहीं देखेंगे, हम लोग इसको मेन चेन में लेना है हमको अल्कोहल को। तो क्या किए हम लोग, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किए, 1, ठीक है, जहाँ से हमको जहाँ जल्दी मिल जाए अल्कोहल वहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, बाकी सबको ब्रांच, ये भी ब्रांच और आपका ये भी पूरा ब्रांच, ठीक है। समझ गए क्या हमने किया, अब देखिए ये ब्रांच है लेकिन यहाँ भी आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ भी ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है। तो इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, नंबरिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, 1 और 2, यहाँ पे डैश लगा दीजिए ताकि ये दोबारा ब्रांच में मतलब कि गिनती में आपको कन्फ्यूजन ना हो। नाम लिखिए, अब सबसे पहले क्या लिखिएगा, 3 पे क्लोरोमिथाइल 3 क्लोरोमिथाइल, है ना, सिंपल है, 3 1 क्लो 1 को मिथाइल बोलते हैं ना, आपको पता होगा। 2 पे देखिए, यहाँ पे 2 पे पूरा का पूरा देखिए, 2 को क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट लेंगे, 1 डैश में क्या है, मिथाइल, तो लिख दीजिए 1 डैश मिथाइल। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथाइल, क्योंकि ब्रांच ही में इसीलिए हम इसको एथेन नहीं लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, ठीक है। ये काम खत्म हो गया, पूरा का पूरा ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच हो गया। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंटेन, यहाँ पे और 1, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए किस तरह से किए हम लोग, एक और देख लेते हैं, एक लास्ट है हमारा, इसका नंबरिंग कैसे किस तरह से करेंगे, देखिए थोड़ा सा किस तरह से करेंगे हम लोग। हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको बताया था मैंने प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है अल्कोहल का, यहाँ पे देखने के, यहाँ पे 1 2 3, इधर ही क्यों, क्योंकि इधर से जाने पे लेट मिलता है हमको ब्रोमीन, यहाँ पे पहले मिल रहा है, यहाँ पे तीसरा नंबर पे मिल रहा है, यहाँ पे चौथा पाँचवा पर मिलता है, इसलिए हम लोग इधर किए। नाम लिख दीजिए 3-ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल या फिर 1-ऑल, बस यही आपको करना है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से बन रहा है क्वेश्चन, समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको डबल बॉन्ड वाला दे दे, तो डबल बॉन्ड को पहले दीजिए, मैं एग्जांपल बता चुका हूँ। उसके बाद आप अल्कोहल को दीजिए, और उसके बाद आप अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को भी दीजिए सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा नॉमिनेशन का कुछ पार्ट जो मैंने दिखाया है, विशेष आपको अगर जानना है तो आप पिछला चैप्टर का वीडियो देखिए, मैं उसमें भी अच्छा खासा नॉमिनेशन बताया हूँ 2 क्लास, ठीक है। पिछला चैप्टर का शायद 6ठा या 7वां नंबर का वीडियो हेलो एल्केन का आपको नाम में लिखा हुआ मिल जाएगा, वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा।
नया टॉपिक है अभी का हमारा, आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ अल्कोहल। आइसोमेरिक फॉर्म, इसमें हम लोग आपको आइसोमर का विशेष वीडियो चाहिए तो आप जाकर पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, पिछला चैप्टर का। इसमें हम लोग अल्कोहल के लिए हम लोग तीन तरह का आइसोमेरिक फॉर्म पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग ओपन चेन, दूसरा पढ़ेंगे पोजिशनल, और तीसरा पढ़ेंगे फंक्शनल, जो कि हमारे इस चैप्टर में यूज होगा, है ना। पूरा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको भी बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। तो पहला हमारा जो यूज है उसी को पढ़ रहे हैं, ओपन चेन आइसोमर। इसमें होगा कि आपको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है, अल्कोहलिक कंपाउंड है, CH2, है ना, लंबा कंपाउंड लेते हैं, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं ओपन चेन आइसोमर में, इसको इसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर तो सब सेम रहेगा, लेकिन इसका देखिए बनावट देखिए स्ट्रक्चर देखिए अलग हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 ही कार्बन, यहाँ भी 5 कार्बन, यहाँ भी 5 कार्बन, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, लेकिन मेन चेन में 5 कार्बन है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 कार्बन, मेन चेन में कितना कार्बन, 4 कार्बन। देखिए फॉर्मूला दोनों का सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसका नाम हो जाता है आपका 5 कार्बन के लिए होता है पेंट एन ओल, पेंट एन ओल, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3-methyl, उसके बाद ब्यूटेनॉल, नाम तो अलग अलग हो गया। इसी को बोलते हैं ओपन चेन आइसोमर, मतलब कि शॉर्टकट में समझिए तो मेन चेन में जब कार्बन चेंज हो जाए तो वैसे आइसोमर को बोलते हैं क्या, ओपन चेन आइसोमर। या ये भी बोल सकते हैं कि जब फंक्शनल ग्रुप का प्लेस चेंज ना हो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का प्लेस चेंज ना हो तो बोलेंगे ओपन चेन आइसोमर, या फिर मेन चेन का कार्बन अलग अलग हो जाए तो बोलेंगे ओपन चेन आइसोमर। दूसरा हम बोल रहे थे पोजिशनल, ये सब चीज़ तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल देखिए, इसी का देखते हैं, ठीक है, हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं ना, इस बार इसी को चेंज कर देंगे। यहाँ पे कार्बन को चेंज किए थे, यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप को ही चेंज कर देंगे। यहाँ पे कर दिए, मान लीजिए ये OH नहीं, ये CH है, और यहाँ पे CH3। अब देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखिए 1 2 3 4 5, अंतर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 1 नंबर पे अल्कोहल है, यहाँ पे 2 नंबर पे अल्कोहल है, 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन इसमें भी है, 5 नंबर का कार्बन का चेन यहाँ भी है, 5 कार्बन चेन का यहाँ भी लॉन्गेस्ट चेन है। तो इसमें क्या समझे, एक और बना दें, इसका एक और बना देते हैं, अब इस बार यहाँ पे OH, यहाँ भी 1 2 3 4 5, देखिए सब में लॉन्गेस्ट चेन है 5 ही कार्बन का, लेकिन इसका पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो जब पोजीशन ही चेंज हो जाए तो आप बोलिएगा क्या, पोजिशनल आइसोमर। जब पोजीशन चेंज ना हो तो ओपन चेन, जब पोजीशन चेंज हो जाए तो पोजिशनल आइसोमर। अब देखते हैं लास्ट है इसका फंक्शनल, जो कि इम्पोर्टेंट है, फंक्शनल आइसोमर। होगा क्या, कंपाउंड का तो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होगा फंक्शनल ग्रुप के अनुसार अलग अलग होगा, कैसे वो देखिए। मान लीजिए CnH2n+2O, अब इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो आप इसको अल्कोहल बना सकते हैं या फिर इसको आप ईथर बना सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए 2n+2, ये इसके पास है 2O नहीं है, ये हाइड्रोजन दुगना से दो ज़्यादा है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप देखिए एग्जांपल से आपको समझाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 2 पुट कर दीजिए तो बनेगा आपका C2H5OH, और इसके अनुसार ईथर के अनुसार बनाइएगा तो बन जाएगा CH3OCH3। देखिए है दोनों का दोनों सेम ही है, दोनों C2H6O ही, देख लीजिए आप गौर से देखिए, दो कार्बन दोगुने से दो ज़्यादा हाइड्रोजन है ना, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो एक बन गया आपका अल्कोहल का कंपाउंड इसी से,
और एक बन गया आपका ईथर का कंपाउंड इसी से। तो बोल रहे हैं जब भी आपका फॉर्मूला जो है सेम हो, केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो तो बोलेंगे उसको फंक्शनल आइसोमर। ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्कोहल में होता है, ये आपका एसिड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, है ना, हर चीज़ का आपको दिखा देते हैं आज। CnH2nO ऐसा रहेगा तो इसका भी दो बनेगा, एक बनेगा एल्डिहाइड और एक बनेगा कीटोन। ठीक है, जैसे मान लीजिए C3H6O है ना, दुगुना से दो, दुगुना हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इसका देखिए क्या बनेगा, एक बन जाएगा आपका C2H5CHO, एक बन गया एल्डिहाइड और एक बन जाएगा कीटोन, है ना। एक और होता है जब दो हाइड्रोजन कम दुगना होगा, जब दो ऑक्सीजन हो जाएगा तब इसका बनता है एक आपका एसिड जो आप जानते हैं कार्बोजिलिक एसिड, और एक बनता है ईस्टर, है ना। सेम कहानी यहाँ भी आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे C3H6O2 एक बनेगा इसका एसिड, है ना, इस तरह से C2H5COOH और एक बन जाएगा आपका CH3COCH3। गौर से देखिए यहाँ पे सेम चीज़ था, CnH2n+2O एक ऑक्सीजन लेकिन दो अलग अलग कंपाउंड, यहाँ भी एक ही ऑक्सीजन दो अलग अलग कंपाउंड, यहाँ दो ऑक्सीजन दो अलग अलग कंपाउंड, तो इसी को बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पर अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे बुक का कंपटीशन का, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इसके प्रिपरेशन की ओर। प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से बताएंगे, ट्रिक से नहीं बताएंगे ताकि समझ में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।